नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। महू शहर में 8 दिनी गणेशोत्सव गणेश जी की मूर्ति की स्थापना के साथ शुरू हुआ। गणेश मूर्तियां ढोल धमाकों के साथ घर लाई गई। गणेश मंदिरों में आकर्षक सजावट की गई। बुधवार को सुबह से ही बाजार में गणेश मूर्तियां और पूजन सामग्री खरीदने के लिए भीड़ उमड़ रही थी, तो वहीं लोग भी इस बार मिट्टी के गणेश जी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। साथ ही श्रद्धालु अपने पसंद की गणेश मूर्तियां खरीदते नजर आए। गणेश जी बेचने वाले दुकानदारों का कहना है कि इस बार मिट्टी से बनी मूर्तियों की मांग ज्यादा थी, जिनकी कीमत भी POP से बनी मूर्तियों की तुलना में दोगुनी थी। राउडन रोड स्थित सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में आकर्षक सजावट की गई। यहां सुबह से ही श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में भीड़ दिखाई दी। इसके अलावा स्वर्ग मंदिर, चक्कीवाले महादेव मंदिर और गणेश मंदिर में भी श्रृंगार कर पूजा अर्चना की गई। शहर में जगह जगह जुलूस निकाले गए। पहली बार सबसे बड़ी प्रतिमा विराजमान हुई। मऊ में पहली बार सबसे ऊंची गणेश प्रतिमा की स्थापना ड्रीम लाइन चौराहे पर की गई। धारनाका में बनी 21 फीट ऊंची इस प्रतिमा का सबसे पहले सिद्धि विनायक मंदिर में पूजा अर्चना की गई। इसके बाद युवाओं ने ढोल धमाकों, आतिशबाजी, पुष्प वर्षा कर पूरे उत्साह के साथ ड्रीम लाइन चौराहे पर ले गए। मऊ के इतिहास में पहली बार इतनी ऊंची प्रतिमा की स्थापना की गई। वहीं शहर में सुबह से लेकर शाम तक छोटे बड़े जुलूस निकलते रहे।